आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और घंटी बजाना मत भूलिएगा। रामायण भाग 4। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे राम, सीता और लक्ष्मण वन चले जाते हैं। अब आगे, इस दौरान भरत जो अपने ननिहाल में थे, वह तुरंत यह बात सुनकर अयोध्या लौट आए और अपनी माता कैकेयी से कहा, मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, यह अधिकार बड़े भैया राम का है। और वह अपने भाई राम को ढूंढते हुए वन में चले गए। वह अपने साथ अयोध्या की सेना लेकर भी गए थे, जिससे कि लक्ष्मण जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वह बोले, भैया श्री, भरत आपके साथ युद्ध करने आ रहे हैं, जिससे कि वो आपका वध कर हमेशा के लिए अयोध्या का राज्य ले सकें और आजीवन राजा बने रह सकें। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए थे। तभी वह भरत के वध करने की प्रतिज्ञा खाने जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रोक ली। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया और कहा, भरत ऐसा नहीं है, मैं अभी एक इशारा करूं तो वो तुम्हें सारा राज्य दे सकता है। तभी भरत ने कहा, मैं आप सबको अयोध्या वापस ले जाने आया हूँ भैया श्री। लेकिन श्री राम ने वापस जाने से इनकार कर दिया। भरत जी के बहुत निवेदन करने पर भी राम जी नहीं माने। अंत में भरत उनके चरण पादुकाएं लेकर वापस अयोध्या आ गए और इन पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित कर राज्य चलाने लगे। अब भगवान राम के वनवास को 13 बरस बीत गए थे और वनवास का अंतिम वर्ष था। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे। गोदावरी के निकट एक जगह सीता जी को बहुत पसंद आई, उस जगह का नाम था पंचवटी। तब भगवान राम अपनी पत्नी की भावना को समझते हुए उन्होंने वनवास का शेष समय पंचवटी में ही बिताने का निर्णय लिया और वहीं पर वह तीनों कुटिया बनाकर रहने लगे।